पहले उठता जहां गुफे में चला जाता है बारिश होती है, जिस दिन मगरिब के बाद वो चला जाता है उस दिन बारिश नहीं होती है। कल तो वो सूरज गुरूब होते होते गुफे में चला गया। इसी पर नमाज है दुनिया को, अरे इतना इल्म तो एक कुत्ते के पास है। दुश्मने दीन है उसके लिए आसमान का दरवाजा नहीं खुलेगा। जो है
शैली का मुखालिफ है उसके लिए आसमान का दरवाजा नहीं खुलेगा। तो अगर कुरान ने ऐलान किया उनके लिए आसमान के दरवाजे नहीं खोले जाएंगे जो दुश्मन दीन है, तो जो ये चांद पर पहुंचा क्या ये खुदा का दोस्त है? क्या खुदा का दोस्त है? मेरे अली की तौहीन न करो, मेरे मौला की तौहीन न करो, तो मानना पड़ेगा कोई और आसमान है, कोई और आसमान है जिसका इल्म सिर्फ अली को है और किसी को नहीं। सलाम भेजिए पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। थका दिया दो बातें सामने रखे, एक ये सितारे हैं, एक ये चांद है, एक ये सूरज है, एक ये कायनात है, सब कायनात। अली फरमाते हैं मुझे आसमानों का इल्म। अगर हम यहां तक महदूद करेंगे तब इमामत की मंजिल सामने नहीं आएगी। हाँ ये इल्म तो है ही है, इसलिए अगर कोई मिंबर पर कहेगा कि मैं जानता हूं प्लस और माइनस, इसका मतलब है गिनती वो पहले जानते हैं। लिहाजा अली का फरमाना मैं किसी आसमान का इल्म रखता हूं, कौन सा आसमान है? तवज्जो फरमाइएगा, एक सलाम लेके मोहम्मद वाले कोई शक नहीं। अरे सितारों का इल्म भी हासिल कीजिए, आसमानों का इल्म भी हासिल कीजिए, जमीनों का इल्म भी हासिल कीजिए, हर चीज का इल्म हासिल कीजिए। क्यों? इसलिए बड़ा ताल्लुक है हमारी जिंदगी से इन चीजों का। आपका जहन करीब करने के लिए, आपको जरा जगाने के लिए, ताकि अजमत इमामत सामने आ जाए। सुनिए ये सितारे जो है ये बेकार नहीं है, चलते हैं फिरते हैं, उधर जाते हैं इधर जाते हैं, पानी भी बरसता है ये वगैरह। चनाचा आपने नाम सुना होगा, अल्हम्दुलिल्लाह एक बहुत बड़े बादशाह गुजरे हैं सिकंदर आजम, उनका नाम सुना होगा आपने अल्हम्दुलिल्लाह। सिकंदर आजम उनको कहा जाता था जुलकरनैन, जुलकरनैन सिकंदर। उन्होंने अपने अपने अयाल से कहा, अपनी बीवी से कहा, बहुत बेअदबी नहीं है ये मिंबर है, अपनी बीवी से कहा देखो मुझे नींद आ रही, मैं सोने जा रहा हूं। कहा ठीक है सो जाइए। कहा नहीं देखो वो सितारा है ना, वो सितारा है। कहा है वो सितारा? कहा देखो ये आगे बढ़ता जाएगा, जब इस मदार पर पहुंचेगा, इस मकाम पर पहुंचेगा, मुझे जगा देना। कहा क्यों? कहा अगर उस वक्त इंसानियत का बीज बोया जाए तो जो बच्चा उस वक्त मां की शिकम में आवेगा उसको सबसे बड़ा कमाल हासिल होगा। तवज्जो फरमा रहे हैं आप? अच्छा काजे सो जाइए। सिकंदर के बाबा ने कहा कि सुनो मुझे जगा देना जरूर उस वक्त, क्यों अगर उस वक्त बच्चा जो वजूद में आएगा नुतफा ठहरेगा तो वो बहुत बड़ा कमाल वाला होगा, इतना कमाल वाला उसको कभी मौत पा ही नहीं सकती। सोचिए मौत नहीं पा सकती। लिहाजा बारह सो गए जनाब सिकंदर, जब सो गए और उनकी अहलिया जगती रही जगती रहे। अब जो वक्त जो वो आया जिस वक्त सितारे इस मकाम पर पहुंचा, उन्होंने अपने शौहर को जगाया नहीं, नहीं जगाया, लेकिन उनकी बहन भी ये बात सुन रही थी, लिहाजा उनकी बहन फौरन दौड़ कर गई, उन्होंने अपने शौहर को जगाया। कहा उठ जाइए उठ जाइए। कहा क्यों? कहा इस वक्त अगर इंसानियत का बीज बोया जाए जो दर्द बन जाएगा उसको इतना कमाल हासिल होगा कि उसको मौत पा नहीं सकती। वालिदा की बहन कह रही है अपने शवर से, अपने शवर को जगाया, जब जगाया अपने शवर को जिसाने गिरा में महाराज वो मंदिर आ गई, बच्चा ठहर गया। जो बच्चा उस वक्त ठहर गया वही है हजरत खजर। तवज्जो फरमा रहे हैं आपने, हजरत खजर का वजूद वही है। चुनांचे हजरत खजर जो है सिकंदर सुलकरनैन के खलीले भाई है। तवज्जो फरमाइए। तो उस वक्त किसका वजूद हुआ? सिकंदर सुलकरनैन का, ये हजरत खजर का। जैसे हजरत खजर का वजूद हुआ, अब कुछ देर के बाद सिकंदर सुलकरनैन बेदार हो गए। जैसे बेदार हो गए अपनी बीवी से कहा आपने मुझे जगाया क्यों नहीं? कह रहे मुझे शर्म आ गई। कहा शर्माते रहो, बड़ा नुकसान हो गया।
क्योंकि अगर बच्चा पैदा हो जाता तो उसको मौत नहीं पा सकती। आपने देखा ना हजरत खजर को मौत पा सकती है, जिंदा है आज भी जिंदा है। तो जनाब सुल्तान के वालिद ने कहा का सुनो 40 बरस से मैं इस सितारे के इंतजार में था, 40 बरस से मैं इस सितारे के इंतजार में था कि ये कब निकल आवे ताकि मेरा बच्चा पैदा हो और उसको मौत अपने काबू में नहीं कर सकती। अच्छा जाने दो, अब ये सितारा आगे बढ़ रहा है, देखो अब जब इस बदार में पहुंचेगा उस वक्त जो बच्चा मुनअक़द होगा मां के शिकम में ठहरेगा वो पूरी दुनिया पर हुकूमत करेगा। चिरांचू उस वक्त जो बच्चा ठहर गया वही है सिकंदर ज़ुल्करनैन। भाई ये तारीख अकाइद है, असर है ऐसा नहीं है क्या असर नहीं है, तवज्जो फरमा रहे हैं। मगर मैं एक जुमला अर्ज करना चाहता हूं, अरे खजर बन गए सितारे की वजह से है ना, है ना? आप मुतवज्जा है कि नहीं? ऐसे लिए बस मेरे तरफ मुतवज्जा रहिएगा, बस उसके बाद आगे बढ़ जाऊंगा। ये बहुत अहम मसला है, इसीलिए आज़ीज़ाने गिरामी ये न समझिए कि हालांकि आप जानते हैं अगर बीज बे वक्त बोया जाए वो दरख्त बनता नहीं, नहीं बनता है ना, यही राज है। जब इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने एक बच्चे को देखा, बड़ा बाअदब, बड़ा खूबसूरत, बड़ा बेहतरीन अदब वाला, तमीज वाला 10 बरस का बच्चा इमाम ने देखा। जैसे ही इमाम की निगाहें गईं उसी वक्त इमाम ने फरमाया जिस रात इसका नुतबा ठहरा है, जिस रात इस बच्चे का वजूद हुआ है, उस रात इसके बाप ने बही खाया है। किस्म का सेब होता है, सच बताइए जब एक फल में इतना असर है, नहीं समझो फरमाया, जब एक फल में इतना असर है कि बच्चा मुअद्दब हो, बच्चा खूबसूरत हो, आप अगर कुरान पढ़ के है ना भाई, अगर कुरान पढ़ के इंसान काम अंजाम दे, यही राज है। अजी जाने गिरामी चाहे बाप हो चाहे माँ हो, क्यों माँ का इतना दर्जा इस्लाम में है, क्यों माँ की इतनी बुलंदी इस्लाम में है, इसलिए जब जमीन में बीज बोया जाता है जमीन जितनी वफादार होती है उतना ही दरख्त फलता फूलता है। तो इंसानियत के बीज के लिए जमीन है वो, और किस मंजिल पर, इस मंजिल पर पैगंबर ने फरमाया मन कब्बला रिजलाय उम्मे, जो अपने मां के पैरों का बोसा देता है, जो अपने मां के पैरों को चूमता है, माफ कीजिएगा हम शर्माएंगे पेशानी चूमते हुए, हम बेचारे हाथ चूमते हुए शर्माएंगे, पेशानी चूमते हुए पर हम जो शर्माएंगे। मगर नबी ने फरमाया जो अपनी मां के पैरों का बोसा देता है उसने पैरों का बोसा नहीं दिया काबा, बल्कि उसने उस पर खाने काबा का बोसा दे दिया। जितने चाहो बोसा दे दो, मां के पैर का बोसा दो, ये मां के पैर का बोसा नहीं खाने काबा का बोसा है। 1.5 लाख 2 लाख खर्च करके जाते हैं मक्का, मालूम नहीं कि वहां